सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में उन्होंने राहुल गांधी और मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व पर कई आरोप लगाए। सोनिया गांधी को लिखे 5 पेज के इस्तीफे में उन्होंने G23 समूह का भी जिक्र किया। इसके बाद एक बार फिर G23 चर्चा में आ गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेताओं का है ये ग्रुप G23। 2020 में पहली बार चर्चा में आया था G23। G23 देशव्यापी सेव द आइडिया ऑफ इंडिया चला रहा था कैंपेन। कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व और संगठनात्मक बदलाव चाहता है G23। पिछले घटनाक्रमों से बिखर रहा है G23। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने राहुल गांधी और मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व पर कई आरोप लगाए। सोनिया गांधी को लिखे 5 पेज के इस्तीफे में उन्होंने G23 समूह का भी जिक्र किया, जिसके बाद एक बार फिर G23 चर्चा में आ गया है। दरअसल G23 समूह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का समूह है, इसलिए अगस्त 2020 में जब पहली बार इन नेताओं का समूह चर्चा में आया था तब इसमें 23 नेता शामिल थे, इसलिए इन्हें G23 कहा गया। इस समूह के नेता जितिन प्रसाद बाद में भाजपा में शामिल हो गए, तो वहीं कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सिब्बल अब सपा से राज्यसभा सांसद हैं। सिब्बल के बाद अब गुलाम नबी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं योगानंद शास्त्री भी शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। तो उधर कुछ नेताओं ने खुद को इस समूह से अलग कर लिया है। पहली बार ये समूह अगस्त 2020 में चर्चा में आया था। उस वक्त इस समूह ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने और संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग की थी। इस पत्र में 23 नेताओं के हस्ताक्षर थे, इसी वजह से समूह को G23 नाम मिला। ऐसा माना जाता है कि बीते करीब 19 महीने में कांग्रेस का ये ग्रुप अक्सर चुनाव के वक्त ही चर्चा में आया है। अगस्त 2020 में जब इस समूह ने पहली बार सोनिया गांधी को पत्र लिखा, उस वक्त राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बगावती देवर अपनाए हुए थे। वहीं एक महीने बाद बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला था। मार्च 2021 में इस समूह ने फिर सुर्खियां बटोरी, जहां एक बेनिवार में राहुल गांधी ने इन नेताओं के विरोध का जिक्र किया, तो वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुदीश ने इन नेताओं को एक खुला खत लिखकर इन पर कई सवाल उठाए। उस वक्त भी 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका था। इनमें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, बंगाल और असम में चुनाव होने वाले थे। साल की शुरुआत में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर ये नेता चर्चा में आए। इसके अलावा भी गाहे बगाहे ये नेता अपने बयानों और ट्वीट से पार्टी और गांधी परिवार से मुश्किल सवाल पूछते रहे। पंजाब में चुनाव से पहले जारी कले पर मनीष तिवारी अक्सर बोलते रहते थे। पंजाब से आने वाले मनीष तिवारी को पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस नेतृत्व ने हाशिए पर रखा था। कांग्रेस सांसद राशि थरूर भी पार्टी नेतृत्व से मुश्किल सवाल पूछते रहे। तो उधर गुलाम नबी आजाद के इनके इस्तीफे के साथ समूह लगभग बिखर गया है। इन्हीं में से कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ तालमेल बिठाते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बात